आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साबुदाने से बनी हुई खीर की रेसिपी। ये खीर बहुत ही टेस्टी बना है और इसे बनाने के लिए आपको घंटों इस साबुदाने को भिगोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे मिनटों में बना सकते हैं, बस 10 से 12 मिनट लगेंगे इस खीर को बनाने में और बहुत ही टेस्टी खीर बनेगा। तो चलिए आज की इस बहुत ही टेस्टी खीर की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा कप साबुदाना ले लिया है। ये छोटा दाना वाला साबुदाना है, आप छोटा बड़ा कोई भी साबुदाना इस्तेमाल कर सकते हैं इस खीर को बनाने के लिए। और अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इस साबुदाने को धोना है। तो एक बर्तन में हम पानी ले लेंगे और उसमें ये जो साबुदाना है इसे डालकर उंगलियों से इस तरीके से मिलाते हुए हम साबुदाने को बस 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे। तो यहाँ पे हमने साबुदाने को अच्छी तरीके से धो लिया है और अब ये बिल्कुल रेडी है खीर बनाने के लिए। तो अब चलिए हम खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो खीर बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक सॉस पैन ली है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। और अब इस घी के अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और उसे भून लेंगे। तो यहाँ पे 8 से 10 हमने काजू लिया है, 8 से 10 बादाम डाल देंगे इसमें और दोनों को बस हम कुछ सेकेंड भूनेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगता है ड्राई फ्रूट्स को भूनने में, तो बस कुछ ही सेकेंड में ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भून जाएंगे। जैसे ही हल्का कलर आ जाएगा इनके ऊपर हम इसे घी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे काजू बादाम दोनों अच्छी तरीके से भून गए हैं, तो इसे एक प्लेट में निकालेंगे और अब इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और अब यहाँ पे खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1/2 लीटर आधा लीटर दूध लिया है, इसे हमने उबाल लिया है। और अब इस घी के अंदर हम धोया हुआ साबुदाना डाल देंगे और अब इस साबुदाने को हमें भूनना है। घी में इस साबुदाने को आपको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे भूनना है। इस तरीके से घी में भून करके साबुदाने का खीर अगर आप बनाएंगे तो खीर में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, प्लस जो साबुदाने हैं वो भी थोड़े पक जाएंगे। तो आपको इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट भूनना है हाई फ्लेम पे। इसे 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि साबुदाने अच्छे तरीके से भून गए हैं, कलर भी इसका पहले से चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि उबला हुआ दूध डाल देंगे। तो दूध यहाँ पे पूरी तरीके से अभी गर्म है, गरम गरम दूध हम साबुदाने के अंदर डालेंगे और अब इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। जैसे जैसे साबुदाना पकेगा इसके जो दाने हैं वो एक दूसरे से अलग होते जाएंगे। तो बस आपको इसे इस तरीके से चलाते हुए पकाना है मीडियम फ्लेम पे। इस खीर को बनने में और ये इस साबुदाने को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 8 से 10 मिनट में साबुदाने आपके अच्छी तरीके से पक जाएंगे, अगर आप अच्छी क्वालिटी के साबुदाने इस्तेमाल कर रहे हैं तो। दस मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो साबुदाने हैं वो अच्छी तरीके से पक गए हैं और ये जो खीर है वो पहले से गाढ़ा हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे साबुदाने एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, बहुत अच्छे से पक चुके हैं 10 मिनट में ही। और ये जो खीर है साबुदाने का खीर लगभग पक चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि लास्ट में चीनी डाल देंगे। तो स्वाद के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार इसमें चीनी डाल दें। और अब इसमें हम कट किया हुआ ड्राई फ्रूट्स जिसे हमने भून करके रखा था इसे डाल देंगे। बस चीनी मेल्ट हो जाए आपको उतना ही देर अब इसे पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस 1 से 2 मिनट आपको इसे चलाते हुए पका लेना है। अगर आपको लगे कि आपका जो खीर है साबुदाने का खीर वो थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और मिला सकते हैं उबालकर। पर यहाँ पे ये जो खीर है हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बना है ये खीर, आप खुद देख सकते हैं। अब हमें इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, लगभग 10 से 12 मिनट हो चुका है इसे बनते हुए। फ्लेम बंद करेंगे और अब इस खीर को हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी लाजवाब खीर बन करके हमारा तैयार है। आप इस तरीके से एक बार खीर बना करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।